Everyone, so today I am here to explain you about heart and how it is working in our human beings. So let's start. As we all know that the heart is a muscular organ and it beats 72 times per minute. It is strange, but it is fams per minute. And the heart is divided into four chambers, like right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. It is divided into four chambers to avoid the mixing of. Means that when the heart is relaxed, it receives the blood, and when the heart is contracts, it pumps out the blood respectively. So now I will draw the human heart and explain you about how it works. बताऊंगी कि हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ब्लड है वो वेना कैवा के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम में, जो हमारा फर्स्ट चैम्बर है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. फिर वो ट्रांसपोर्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स में, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें. और फिर जब वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड एरोटा के थ्रू होल बॉडी के सेल्स में जाता है. उसके बाद जो हमारी लार्जेस्ट वेन होती है उसे हम वेना कैवा कहते हैं, और जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसे हम एरोटा कहते हैं. सो जो हमारी आर्टरीज होती है वो रिसीविंग चैम्बर होती है, मतलब वो ब्लड को रिसीव करती है. और जो हमारी लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स होती है वो डिस्चार्जिंग चैम्बर्स होती है. मतलब वो समझ गए होंगे कि दैट हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है. थैंक यू.